राम राम जी। सारे नए पोवार फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और इतनी गर्मी में किम में नहीं बना नजी करता ना किम खान नजी करता। सर्दियाँ में तो बहुत सारी सब्जी हो जाती, बच्चे खा लेते राजी होकर। गर्मियाँ में सब्जी की भी दिक्कत हो जाए, के बनावा सुबह, के बनावा सांझ ने, के बनावा, एक समस्या हो जाए है दिमाग में गृहिणी के। और बच्चे जो गर्मियाँ की सब्जी है, घिया है, तोरी है, इन राजी होकर खाते नहीं, घर के बड्डे तो खा ले हैं। और यह समस्या हर एक घर गिला है। मेरे बच्चे भी इतनी नाक नुकुर करे हैं कि मैं हम घिया की सब्जी ना खावा, तोरी की सब्जी ना खावा। ढक्कन खोल खोल के देखे जाएंगे भाई आज के बनाया, मम्मी ने आज के बनाया, तरीके तो बनाई है उसने, बच्चे बहुत राजी होकर खावे हैं। तो मैं आप सब ने भी ये तरीका शेयर करना चाहूँ कि भाई आप भी बनाओ तो आपके बच्चे भी बहुत राजी होकर खाओगे। तो मैं आज घिया बना रही थी, मैं क्यों ना आप सब तय यह रेसिपी शेयर कर दूँ। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रही हो और मैं आप सब ने घिया की सब्जी अलग तरीके से जो मेरा तरीका है वो बनाना सिखाऊँगी और व्लॉग में बने रही। एक तो घिया ना जितनी छोटी हो सके ना नहीं हो सका उतनी ना नहीं काटे, प्रति मैया पतली काटनी चाहिए घिया, ज़्यादा मोटी मोटी भी ना पसंद करते बच्चे, या घुट जाएगी ना पक्कन है। और घिया का भी फर्क हो जाए, ये घिया बहुत फर्क मान लग गई, पहला बहुत बढ़िया घिया आ करती गल जाया करती, ये घिया गलती भी कोई ना। भैया घिया लिया हम बिल्कुल नहर के पानी के नीचे, तो बिल्कुल बहुत ही मीठा पानी घिया है ये, और ये बिल्कुल खेत से लिया हूँ, बिल्कुल जो भी सब्जी आज मैं लेकर आया हूँ प्रॉपर खेत से अपनी आँखों के आगे तड़वा के लेकर आया। रसोई में मैंने सर का बांध लिया अपनी चुन्नी, और मैं हमेशा घिया ना देसी घी में बना करूँ, घिया तो इसका मतलब इस घिया घी में बना ना बहुत बढ़िया लगेगी, मैं हमेशा देसी घी में छोके करूँ। और ये टमाटर बिल्कुल बारीक कर दिए हैं इसमें गाल में, और तड़का कम हो गया है। मैं हमेशा मसाले ना पानी में घेरा करूं, जो पूरा हल्दी गरम मसाला नमक छोंक में घेर दे, तावड़ा छोंक को क्या तावड़ा गल जाए, नमक नमक डालना करो बस इसमें ना, तो और कुछ भी डालना हो तो पानी में डाला करो, देखी मिर्च ने भी पानी में डालूंगी जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। हाँ इसका बहुत बढ़िया, इसका जो मैक है ना वो मुखी नंबर मसाला की, हमने जो गाड़ी का नंबर मिला वो दिखा दे के रखी मिल जाए। हाँ इतने नहीं देगी मम्मी, मैं सब तैयार कर मैं आपने दिखा देता हूँ गाड़ी के नंबर मिले हैं हमने, ये देखो HR12AP3101। और भाई गाड़ी की बात मैं बता दी थोड़ी, मैंने डिटेल रह गई थी बतानी, तो गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत ही मतलब शानदार ड्राइव है इसकी, शानदार सवारी है, और ये CNG में है, जो गुड़गांव का भी यहाँ रोहतक रोहतक जो मेरा गांव पड़ता है यहाँ से लगभग गुड़गांव 90 से 100 क्रॉस पड़ता है, तो इसमें वहाँ तक का सफ़र 700 रुपये में तय करे हैं दोनों तरफ का, तो आप इस हिसाब से लगा लो 100 किलोमीटर से ऊपर ही होगा, और जिसमें लोकल गुड़गांव भी चले हैं, तो बड़ी अच्छी शानदार सवारी है CNG में ये टाटा की गाड़ी, और जिस हिसाब से हमने ली थी उस हिसाब पर खरी उतरने लग रही है बिल्कुल खरी, और इसकी जो हमारे घर में शाम को डेली पूजा होती है मम्मी की, मम्मी इतना पूजा करे, मैं सब्जी संभाल लेता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ सब्जी को, ये देखो बिल्कुल
फरीदकोट की परांठे थे ना, खाए थे ना, तो गया ले आओ तो मस्त कति नहर के नीचे थे सब्जी लगभग 50% बन चुकी है। कितना आप तड़का लगा लो? बस आटा लगा ना, बाहर हो गया। और मैं बना दिया था, रोटी खा ली थी, आज लेट हो रही। तो लगने वाला लगता और 5 से 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा ना? 5 मिनट सब्जी के ऊपर है, मैं पका की घिया आप ले आए हो, नोगो हो गया। बिल्कुल 10 मिनट अगर बढ़िया घिया होगी तो इतनी बहुत आवड़ी पकेगी, अगर खराब होगी तो यह गड़कन देगी। वो घिया के ऊपर है, ये घिया खराब नहीं है, बिल्कुल अच्छी घिया है और जल्दी बन जाएगी, बस 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और सब्जी लगभग तय है बनने के लिए, बिल्कुल रेडी है। और लास्ट पॉइंट अभी आने वाला है, वो देखने के लिए बने रहो। देखो और मेरी मम्मी लग गई रोटियाँ, गा की बना दूँ, गाने दिखाऊंगा। पहले गौ माता के लिए रोटी बनाओगे तो सब्जी तैयार हो जाओगी, सीढ़ी हो जाएगी ना, पत्ती रोटी सीढ़ा होने में बेटा टाइम लाओ ना। तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और वो टाइम आ गया है जो सब्जी का स्वाद बढ़ा देगा, उसके लिए आपको बताऊंगी दी मम्मी। यो क्रीम वाला दूध है, विद क्रीम, जो जो गर्म दूध धरते हैं ना ठंडा, और उस पर क्रीम सी आ जा गाड़ी गाड़ी मलाई और कच्चा दूध, इसने घेर कर अच्छे बढ़िया आँच पर पका दूंगी। देखो कलर भी कितना प्यारा हो गया है, अलग एक बार अलग लगा फिर बढ़िया हो जाएगा इसका कलर और बढ़िया। जितना पकेगा दूध गिरने के बाद इसका स्वाद बढ़ जा है, घिया जो बच्चे ने घिया के स्वाद था नफरत है ना, वो स्वाद कम हो जाएगा घिया का और इसका अलग फ्लेवर हो जाएगा, तो टेस्टी बन जाएगी सब्जी। बच्चा ने तो पता ही नहीं चला क्या की है। और आप भी अपने लड़का ने हल्की सब्जी खिला कर ग्रीन ग्रीन ऐसे बना के और खेत की मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अपने आपके आस पड़ोस में सीधे खेत में जाओ, डाल पूरी मीठा पानी और अभी निशांत लेके आया मीठा 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 लगा के गाय को रोटी दे देंगे। देखो ये भी होगी है तैयारी, इसने टक्का दर देंगे थोड़ी आ चम्मच गिला फोड़ दे इसमें थोड़ा थोड़ा, गुटी गुटी सब्जी जो फुट जाए ना फेटी ओड़ सी सब्जी बढ़िया पसंद हो गया घी है की मैं तो वह बढ़िया लग गया था। और गाय माता के बाद अब हमारा खाना चालू। देखो सब्जी बिल्कुल लास्ट में अच्छी बनी है, उसमें थोड़ा लगा रखी और लस्सी में डाले है पुदीना जो हमने रखा वो डाले है। पसीना बहुत आ रहा है गर्मी में, रसोई में गर्मी, हाँ मन में भी गर्मी लग गई है, मैंने का नाम बढ़िया हमारे रसोई में बिल्कुल स्वाद, इतनी स्वाद सब्जी बन रही थी और मावा की बर्फी खा लिया ना उतने भी ज़्यादा, मैं चटोरा बहुत हूँ वैसे सब ने रोटी खा ली है। जब भी मेरा फास्ट होया करता सोमवार का तो निधि सबसे पहले रोटी बनाया करती मेरी और उसके बाद आप खाया करती। आज निधि बीमार होने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा काम हो गया, मैंने सबकी रोटी बनाई और उसके बाद मैंने रोटी खाई, आज मैं बहुत लेट होगी ना तो मैं बरती रहा करती, थोड़े टाइम से रोटी खा ली थी तन छपे सी तो मैं लेट होगी। बेटे बेटी में यो फर्क हुआ, देख बेटी सबसे पहला मम्मी ने रोटी खवा करती कि मम्मी सारा दिन तब भूखी है और बेटे ने खा गया पापा भी खा गया उसके बाद मैंने मिली है और निधि ने भी खा ली है, सारे रोटी खा ली है। तो जैसे भी मैंने आप सबको बताया कि भी सब्जी आप भी घर पर ऐसे ट्राई करियो और बहुत अच्छी सब्जी बन रही थी, सब
कई बार बना चुकी मैं, काफी अच्छी लग गया सब्जी। पहला कम खा करते लेकिन अब खाने लग गए मेरे बच्चे, पहला तो फर्क पड़ रहा है। तो आप भी ट्राई करियो और किसी सब्जी लगेगी बना कर ना करा जब बताइयो मैंने, और मारी सब्जी हमारा ब्लॉग खींचा लगे कमेंट करके जरूर बताइयो।